हमारे साथ मौजूद हैं जी जनाब अदनान कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये मिली नगमा यकीनी तौर पर बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं, आपके जहन में कैसे ख्याल आया, क्योंकि आपके म्यूजिक में पहले हमने नहीं देखा ये। हाँ, ऐसे था कि मेरी कॉलीग हैं और फ्रेंड भी हैं बड़ी अच्छी, इरम सईद, काफ़ी वायरल हैं आजकल और मोटिवेशनल लाइफ कोच हैं, तो वो काफ़ी काम कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली विद वुमेन। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे, तो मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था और कुछ आजकल कुछ नाउमीदी की चीज़ें चल रही थी, काफ़ी लोग डीमोटिवेटेड और इस तरह की बातें, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ ना वर्ड्स लिख के, कॉन्सेप्चुअली लिख के भेज दिए जस्ट ऑन व्हाट्सएप। तो वो मैंने लेके जब अपनी टीम से बात की, यार ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक जर्नी नज़र आ रही है इसके अंदर डेफिनेटली। तो उन्होंने, टीम ने कहा जी बिल्कुल इसका कुछ बन सकता है, तो वहाँ से हमने फिर ये डिस्कशन शुरू की और विद इन 3 वीक्स ये फ्रॉम इंसेप्शन टू एक्चुअल कॉम्पोजिशन टू प्रोडक्शन वी कम्प्लीटेड द सॉन्ग। और फिर मेरे दिमाग में आया कि 14 अगस्त बाई चांस सिंक कर रहा है, तो मैंने उनको कहा कि वी हैव टू रिलीज इट ऑन द 14th of August। तो म्यूजिक के जरिए मैसेज आप कितने बड़े एक वाइडर स्पेक्ट्रम में फैला सकते हैं? मेरे ख्याल में आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजम जो है वो इस वक्त म्यूजिशंस की और इस कम्युनिटी की है, कि जब इस तरह की सोच कॉम में आना शुरू हो जाती है कि जी हम जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, या हम बहुत नाउमीद हैं, या हम ये हैं, जो भी है, तो उस वक्त हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थ्रू म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आर्टिस्ट कि हम इस तरह के मैसेजेस ऑफ होप, यूनिटी, अल्लाह से यू नो उसका लगाव कैसे बनता है, हाउ टू कनेक्ट दैट विद गॉड, इस तरह के मैसेजेस लाना बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट कम्युनिटी का। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख,